आज ये लुक मैंने क्रिएट किया है यूजिंग प्रोडक्ट्स अंडर 200 रुपीज। ये ऑरेंज कलर करेक्टर लिटरली 105 रुपीज का था एंड आई वाज शॉक्ड कि ये कितना पिगमेंटेड था। या तो फिर आप 5 कुरकुरे खरीद लें या ये कलर करेक्टर खरीद लें, द चॉइस इज योर्स। एंड बहुत आसानी से ब्लेंड हो गया था, आई गिव इट अ 10/10। फिर मैंने ये फाउंडेशन ट्राई किया जो कि सिर्फ 200 रुपए का था। इसको खरीदने के लिए मुझे किडनियां बेचनी नहीं पड़ी, लेकिन शेड गलत आ गया था। यूजुअली जब मैं ऑनलाइन फाउंडेशन खरीदती हूँ मेरा शेड प्रीटी मच सही आता है, लेकिन ये बहुत डार्क आ गया था। इसकी कवरेज भी बहुत कम थी, सो मुझे बस ये ओके लगा। 200 रुपीस के देखते हुए इट्स फाइन, बट आई गिव इट अ 5/10। फिर मैंने हाइलाइटिंग के लिए ये कंसीलर लगाया जो कि 185 रुपीस का था एंड पैकेजिंग बिल्कुल एले गर्ल की कंसीलर की तरह थी। दिस कंसीलर वॉज नॉट बैड, अगेन फुल कवरेज नहीं था, इट वॉज ओके। ऑनेस्टली 185 रुपीस के देखते हुए इट वॉज नॉट बैड। फिर मैंने ट्राई की इनकी कॉन्ट्रोल एंड हाइलाइटिंग स्टिक जो कि अगेन 200 रुपीस की थी। आई एंडेड अप लविंग दिस क्रीम कॉन्ट्रोल, बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया था एंड बहुत प्यारा लग रहा था। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा एंड इट डिड नॉट मेक माय फाउंडेशन पैची। इसका हाइलाइटिंग साइड वाज इवन बेटर, इट गेव अ वेरी ड्यूई फिनिश, इट्स अ 10/10 फ्रॉम माय साइड। फिर मैं इनका पाउडर ट्राई कर रही हूँ जो कि 135 रुपीस का था। 130 रुपए में आज के जमाने में कुछ नहीं मिलता है। आई लव्ड दिस पाउडर, बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया, इट गेव मी अ वेरी स्मूथ फिनिश। अगेन पाउडर इज अ 10/10। लेट मी नो आपको एंड रिजल्ट कैसा लगा।